फ्री जीरो वेस्ट स्वैप सीरीज की ये तीसरी वीडियो है और इसमें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। हम सभी जानते हैं कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स किस तरह से केमिकल से भरे हुए हैं और हमें लगता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक छोड़िए, बहुत सारे हैं। तो अगर आप भी ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स के पीछे ना जाके सही में जो प्रकृति निष्ठ जीवन शैली है उसको अपनाना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मिलकर आज जानेंगे ये सस्ते, इजी, सिंपल से जीरो वेस्ट स्वैप जो आप अपने पर्सनल केयर में लेके आ सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता फीमेल है या मेल है, लेकिन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हम बहुत सारे यूज करते हैं और हम सभी जानते हैं कि ये जो मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल से भरे हुए। एक छोटा सा अपडेट, लास्ट वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमारे पास बहुत सारी नेचुरल बाथिंग आइटम्स हैं, बहुत सारे स्क्रब्स हैं और बहुत सारी और अल्टरनेटिव्स हैं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो में डिस्कशन की हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। पर अगर आप इन तामझाम में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपने जो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्लीज़ आप लिक्विड शावर जेल ना यूज़ करके बार्स के ऊपर जाइए। बार्स बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट प्लस प्लास्टिक प्लस रिसोर्स को सेव करता है कंपेरेटिव टू ये लिक्विड बाथिंग शावर जेल के। इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं आज के अपने पर्सनल केयर के स्वैप्स। फेस क्रीम, बॉडी क्रीम, स्किन क्रीम, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये ऑल इन वन मेरी फेवरेट क्रीम है। ये क्रीम नहीं, बेसिकली ऑयल है, मल्टीपल ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है। ये गर्मियों में इस तरह से दिखती है, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं दिखती। और सर्दियों में हाँ, इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे क्रीम का होता है वैसा दिखता है। एक सही में जो क्रीम होती है या फिर आप उसको कहिए ऑयल जो होता है वो ऐसा ही दिखता है। हमारे भारत में 40 डिग्री टेम्परेचर है और 40 डिग्री टेम्परेचर में इस तरह का टेक्सचर पाना ये प्रिजर्वेटिव का ही कमाल है। तो हम क्यों इस सिंथेटिक टेक्सचर को, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस को अपने ऊपर एक्सपोज करें, उसके बदले में ये नेचुरल हर्बल स्किन क्रीम को अपनाएं। इस स्किन क्रीम की रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। एंटी एजिंग क्रीम, हमें सभी को लगता है कि ये जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आती है वाकई में ये एंटी एजिंग क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पर ट्रस्ट मी, ये पूरा फ्रॉड है। मसूर की दाल सबसे अच्छी एंटी एजिंग क्रीम है। आप इसको क्रीम के जैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फेस मास्क के जैसे यूज़ कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, सीरियसली ये बहुत ही ऑसम है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है कि इस क्रीम की एक्सपायरी एक मंथ की है, 2 या 4 साल की नहीं है। ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है जिस चीज़ को हम लोग अपने पेट में नहीं जा सकते उसको अपने फेस पे क्यों लगाना। फेस मास्क, मैं कमर्शियल फेस मास्क बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती क्योंकि आप सभी को मालूम है वो केमिकल से भरे हुए हैं, प्लास्टिक से भरे हुए हैं। तो अगर आप प्लास्टिक को डिश करने जाएंगे तो बोनस में आपको केमिकल से भी छुटकारा मिल जाएगा। सिंपल, आपकी रसोई में बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं, इनमें से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बहुत सारी फेवरेट जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, चाहे वो मसूर दाल का फेस मास्क हो, चाहे वो बेसन का फेस मास्क हो, सब भी बहुत अच्छे हैं। आप इन सभी को आराम से घर में बना सकते हैं। रेसिपीज़ आपको आराम से इंटरनेट में मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये लिमिट नहीं है कि सिर्फ जो ये मैंने 3-4 रेसिपी शेयर की हैं बस यही एक लिमिट है, बिल्कुल भी नहीं, लिमिटलेस है ये चीज़। इसी में मेरा एक फेवरेट चैनल वाइल्ड टर्मरिक, जिसपे आपको ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी और सभी रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक ऑसम है। हेयर ऑयल, मैं उनमें से थी जो हमेशा ही बस सरसों का तेल लगाती होती थी, उसके अलावा मुझे और कुछ पसंद नहीं होता था, पर जब से मैंने ये वाला हेयर ऑयल ट्राई किया है सीरियसली मैं इस पर फिदा हूँ। मैं छोड़ो, मेरी बहन भी इसके ऊपर पूरी लट्टू है। अभी आंवले का सीज़न ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर जोर बनाए हुए है कि मुझे हेयर ऑयल बना के दे, हेयर ऑयल बना के दे। कहाँ से बना के दूँ, ताज़े आंवले तो ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप बोलेंगे कि ताज़े आंवले नहीं है तो इस तरह के सूखे आंवले भी हम डाल सकते हैं, पर मुझे मालूम नहीं उसके बाद इस रेसिपी ये कैसी बनेगी। और इसका ये जो बच जाता है इसे भी मैं खा जाती हूँ और ये सीरियसली बहुत टेस्टी होता है क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो चीज़ आप खा सकते हैं तो सोचिए आपके बालों के लिए कितनी अच्छी होगी। ये हेयर ऑयल की डिटेल वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शावर कैप,
हेयर ऑयल, हेयर मास्क जब भी हम अप्लाई करते हैं तो बहुत बार कहा जाता है कि हमें शावर कैप जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि उससे फिर जो आपका मास्क है या ऑयल है वो बेटर वे में लगा रहता है। मैं कमर्शियल प्लास्टिक के शावर कैप्स हैं वो नहीं यूज़ करती, मैं ये शावर कैप यूज़ करती हूँ। ये शावर कैप मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी, उन्होंने ये खुद घर पर स्टिच की हुई है। सिंपल इसकी स्टिचिंग है, गोल आकार में काटी है, चारों तरफ इलास्टिक डाला हुआ है, सिंपल सा। अगर आप ऐसी शावर कैप बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ ब्लैक कलर लीजिएगा, ताकि वो स्टेन को निकालने का झंझट ही खत्म हो जाए। वैक्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैं रेजर सना यूज़ करके वैक्सिंग करवाती हूँ, और वैक्सिंग भी सिंपल जिस तरह से प्लास्टिक स्ट्रिप्स होती हैं वैसे ना करवा के मैंने ये पुरानी जीन्स जो होती है उसको काट के मैंने ये अपनी स्ट्रिप्स बनवाई हुई है। मैं ये स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं जब मैं वैक्सिंग करवाती हूँ, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि एक वैक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये जो जीन्स की स्ट्रिप्स हैं ये ग्रिप बहुत अच्छी बनाती हैं। नंबर दो, कोई भी प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं। हेयर जेल, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कमर्शियल हेयर जेल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर बहुत सारी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट है वो है फ्लैक्सीड जेल। फ्लैक्सीड जेल इसलिए क्योंकि इसका टेक्सचर ज़्यादा देर तक लास्ट करता है, आप इसको अपनी फ्रिज में एक हफ्ता तक रख सकते हैं। नो डाउट जो एलोवेरा जेल है वो भी बहुत अच्छा है। फ्रेश मेकअप क्लीनिंग पैड्स, गोल से सुंदर से बहुत अच्छे लगते हैं, आई नो, पर प्लीज़ इस तरह के गोल से सुंदर से पैड्स को हम लोग क्लीन कैसे करेंगे, कभी आपने ये सोचा है? इनको हाथ में पकड़ना और मलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, आपका इस तरह का कोई भी टॉवल हैंकरचीफ जो आते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बेटर है। एक, इनको क्लीन करना बहुत आसान है। दो, ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। नंबर तीन, जब आप इनको यूज़ कर लीजिए सिंपल, इनको वॉश करने के लिए आप इसको वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं हाथ से थोड़ा सा स्क्रबिंग करके, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कार्बन यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काजल, मस्कारा और ऑल दोज प्रोडक्ट। कार्बन को निकालना मशीन में उतना आसान नहीं रहता है, तो आप इसको हल्का सा अगर मल देंगे तो नैपकिन्स को साफ करना भी ज़्यादा आसान रहेगा। लिप बाम, मेरे होंठ जितने फटते हैं किसी और के नहीं उतने फटते होंगे, और उसका सिंपल सा एक सोल्यूशन, आपकी चपाती के ऊपर ये जो घी लगा हुआ है ना, इसको अपने होठों पे लगाइए, थोड़ी सी नाभि के ऊपर लगाइए, आपके होंठ बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको ये रेमेडी नहीं मालूम है तो प्लीज़ इसको यूज़ करके देखिए, आपको किसी भी और लिप बाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घी को सिर्फ होठों पे लगाते हैं तो जहाँ पे आपके होठ 4 दिन में ठीक होंगे, अगर आप होठों के साथ साथ उसी घी को अपनी नाभि पे लगाते हैं तो वही होठ आपके 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, 1 या 2 दिन में। तो प्लीज़ जब भी आप होठों पे लगाइए तो नाभि पे लगाना मत भूलिए। अगर आप बाहर कहीं पर तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर हैं तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिए, ये सबसे अच्छी और सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी है। फुट स्क्रबर्स, मैं इस तरह के कमर्शियल स्क्रबर्स नहीं यूज़ करती, ना ही वो मेरे पैरों पर काम करते हैं। मैं ये मिट्टी का जो पुराने स्टाइल का जो कुम्हारों से मिलता है ना झावा, पंजाबी में इसको झावा बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं यही यूज़ करती हूँ। मेरा एक टूट जाए उससे पहले मैं दूसरा ले आती हूँ, ये मेरा नए वाला है, ये इसका बैकअप, जिस दिन ये टूटेगा उसी दिन साथ के साथ इसकी रिप्लेसमेंट भी आ जाएगी। जब ये घिस जाता है, अब ये काफ़ी घिस चुका है, तो मैं इसको अपने पैरों के साथ साथ अपनी और भी दूसरी जगहों पर यूज़ करती हूँ, जैसे आप बाजू पे को स्क्रबर के जैसे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको स्क्रबर के जैसे उसको यूज़ करना है वो कर सकते हो। मेंस्ट्रुएशन कप या पैड, पर्सनल केयर में ये हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कह लीजिए परमानेंट हिस्सा है। मैं आपको स्ट्रांगली 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 रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ ये कमर्शियल प्लास्टिक के सिंथेटिक पैड्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए, इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि हमें ये कमर्शियल सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए, मेंस्ट्रुएशन कप क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए, उसका रिप्लेसमेंट और ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये जो क्लॉथ पैड्स हैं वो कितने बेटर है, कितने अच्छे हैं, इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी वीडियोस भी नहीं। आप प्लीज़ जाइए और देखिए और इस चीज़ को समझिए कि ये एक अनवांटेड और बेकार सी चीज़ जो हमारी लाइफ में है ये क्यों नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को किक आउट कीजिए अपनी लाइफ से। फ्री जीरो वेस्ट स्वॉप सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो नहीं है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी लॉन्ड्री और जो और दूसरे थोड़े बहुत स्वॉप्स बचे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई स्वॉप मिस कर दिया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप इनमें से कौन से स्वॉप्स हैं जो अभी इसी टाइम यूज़ कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं? आपके इस तरह के बहुत सारे कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ इसी तरह से मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा।
धन्यवाद।